तो हर एक स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि भाई आपने किस तरीके से तैयारी की। स्कॉलर्स की नई नई उस टाइम कोचिंग शुरू हुई थी तो हमें पता चला कि आपकी कोचिंग है और आपका नाम था मैथ्स के लिए, तो फिर हमने डेमो क्लास ली। और जब डेमो क्लास ली उसके पहले मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि एसएससी सीजीएल में कौन सी पोस्ट होती है, या इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि उसका पैटर्न कैसा होता है एग्जाम का। सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट के सामने यही होती है कि वो यही नहीं तय कर पाते हैं कि उन्हें इस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उनका क्या पैरामीटर होते हैं, क्या पैमाने होते हैं कि हमें इस एग्जाम की तैयारी इसलिए करनी चाहिए। कि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर 2 से 3 साल कोई एसएससी की प्रिपरेशन कर ले तो उसके पास जॉब तो पक्की होगी। तो मल्टीपल बुक पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल होता है या एक बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना ज्यादा बेनिफिशियल होता है? जैसे बहुत सारी एग्जाम्स है जो बच्चे सालों से लगे हुए उसकी प्रिपरेशन में, लेकिन अगर उसका आधा भी टाइम आपने एसएससी में दे दिया होता। नमस्कार दोस्तों, स्कॉलर्स करियर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को अभी ये जानकारी है कि एसएससी सीजीएल 2022 का रिजल्ट आया है, और एसएससी सीजीएल 2022 के रिजल्ट आपने देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं, और कहीं ना कहीं से आपसे आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा है कि सीजीएल 2022 में कितने स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। और उनमें ही है, मैं आपको एक हमारे ऐसे स्टूडेंट से मिलाना चाहता हूँ स्कॉलर्स में जिनका एसएससी 02 बैच था, मैं वो स्टूडेंट हमारे सामने हैं प्राची त्रिपाठी, जिन्होंने ऑल इंडिया में पूरे भारत में 5वीं रैंक हासिल करके इस मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में अपना मान सम्मान बढ़ाया है। और मैं प्राची त्रिपाठी के बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि इन्होंने ऑल इंडिया में 5th रैंक के साथ साथ लड़कियों के लिए बड़ी सम्मान की बात है कि इन्होंने पूरी गर्ल्स कैटेगरी में 1st रैंक हासिल की है। तो आप, मैं सभी आप लोगों को चाहूँगा कि आप प्राची त्रिपाठी से मिलें, थोड़ा सा उनकी रणनीति के बारे में जानें कि किस तरीके से प्रिपरेशन की है, किस तरीके से उन्होंने खुद ने की है, और जो भी स्टूडेंट हैं जो एवरेज हैं या जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि एक जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया है वो तो अपने बारे में बताएगा ही, लेकिन इस वीडियो में आपको ये सीखने को मिलेगा कि जो स्टूडेंट किन्हीं भी कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाए थे, जो एक एवरेज स्टूडेंट हैं, उन्हें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, किन किन चीजों को फोकस करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले प्राची का हमारे इस चैनल पे स्वागत करना चाहूंगा। हेलो प्राची। हाय सर, थैंक यू सो मच मुझे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए ताकि मैं सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। तो प्राची, मैं सबसे पहले जैसे ये जानना चाहता हूँ, और सभी स्टूडेंट, कोई भी एस्पिरेंट जब सेलेक्ट होता है और एक इतने टॉप रैंक के साथ सेलेक्ट होता है, तो हर एक स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि भाई आपने किस तरीके से तैयारी की, और मतलब क्या आपकी रणनीति रही। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सोच रहे होंगे कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की कि ताकि मैं भी उतने घंटे पढ़ लूँ, आपने क्या क्या पढ़ा है वो मुझे बता दीजिए, मैं भी पढ़ लूँ तो क्या मैं ये हासिल कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने जैसे स्कूलिंग की है, आज हम इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले आपने स्कूल की, फिर उसके इंजीनियरिंग किया है, उसके बाद में कॉलेज में, और इंजीनियरिंग के बहुत सारे स्टूडेंट के लिए एसएससी निकालना एज कंपेयर जो स्टूडेंट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं, एमए बीए जिन्होंने किया होता है, उन स्टूडेंट्स के सामने इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट हैं वो एसएससी जल्दी निकाल पाते हैं, तो इसका क्या कारण है और कैसे उन्हें इन चीज़ों पर बढ़ना चाहिए? तो सर, स्कूलिंग मेरी इंदौर से ही हुई है और ग्रेजुएशन में मैंने सिविल इंजीनियरिंग करा है SGSITS इंदौर से ही। तो सर, ये बिल्कुल सही बात है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बेनिफिट होता है एसएससी में। अभी तक पैटर्न में मैथ्स और इंग्लिश का काफ़ी ज़्यादा वेटेज था जो कि अब चेंज हो गया है। तो इंग्लिश में जो बच्चे अच्छे होते हैं, जैसे जो इंग्लिश मीडियम से पढ़े होते हैं, तो उनको एक बेनिफिट तो होता ही है। प्लस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं तो वो कहीं ना कहीं IIT की प्रिपरेशन करे हुए होते हैं, तो मैथ्स में भी वो अच्छे होते हैं। तो इंग्लिश और मैथ्स अगर इतना बड़ा पोर्शन, अगर आप ऑलरेडी आपका बेस आपका काफ़ी अच्छा बना हुआ है, तो उस वजह से इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थोड़ा सा उनको बेनिफिट होता है। बट ऐसा नहीं है कि बाकी जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो नहीं निकाल सकते। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं भी होते हैं बट बहुत अच्छे रैंक लेके आते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे होते हैं। तो बस यही है कि ठीक है, अगर वो आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है बट आप सीख सकते हैं, आपके पास इनफ टाइम है, और एलिमेंट्री लेवल तक का ही सब पूछते हैं, चाहे वो मैथ्स हो या इंग्लिश हो, तो उसको कवर करना इतना मुश्किल भी नहीं है, तो बहुत इजीली किया जा सकता है। अब जैसे कोई भी स्टूडेंट जब प्रिपरेशन शुरू करता है और कॉलेज टाइम तक, जैसा कि हम देखते हैं कि जो भी रूरल एरिया है, कॉलेज टाइम तक तो स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि करना क्या चाहिए, और मतलब हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
जैसे एसएससी में पहले जो एसएससी का पैटर्न था, तो एसएससी के पहले पैटर्न में मैथमेटिक्स और इंग्लिश का एक काफ़ी वेटेज था, तो कुछ स्टूडेंट उसको सोचकर स्किप कर जाते थे। हालांकि अब पैटर्न बदल चुका है, तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि आपने एसएससी के बारे में क्यों सोचा और मतलब कैसे आपने शुरुआत की एसएससी के बारे में, थोड़ा सा एक बार उसके बारे में बताइए। तो सर हम कॉलेज में थे फाइनल ईयर में, और जैसे कि मैंने बताया है पहले भी कि मेरी मम्मा एएसआई है मध्य प्रदेश पुलिस में। तो सर वो जो गवर्नमेंट जॉब की एक जो इच्छा होती है, एक बचपन से होता है कि देखा है तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तो बस करनी थी गवर्नमेंट जॉब ही। थोड़ा सा लगा कि यूपीएससी की जाए, पीएससी की जाए या क्या किया जाए, एसएससी के बारे में तो पता ही नहीं था, फाइनल ईयर तक पता ही नहीं था। फिर मैं और मेरी फ्रेंड है तरुणा दुपकरिया, शी इज़ ऑल्सो सिलेक्टेड एज कैग ऑडिटर। तो सर ऐसा लगा कि क्या किया जाए, कौन सी ऐसी एग्ज़ाम होगी जो जिसमें हम ये श्योर शॉट हो जाएंगे कि हमारी जॉब तो लगी जाएगी। तो हमने थोड़ा सा रिसर्च किया और भवरकुआ पे कोचिंग्स गए, तो ऐसा पता चला कि एक एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम होता है जिसमें मैथ्स और इंग्लिश का काफ़ी वेटेज होता है। तो मैंने बताया कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे तो ऐसा था, और इंग्लिश पढ़े हुए थे, इंग्लिश मीडियम ही था, तो ये था कि हाँ हम जो सिलेबस है, जो एसएससी की नीड है, उसके लिए हम ऑलरेडी काफ़ी हद तक प्रिपेयर्ड है, और थोड़ा सा पढ़ के हम एक जॉब ले सकते हैं, एक अच्छी खासी पोस्ट हम ले सकते हैं। तो वहाँ से एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन हुई। फिर भवरकुआ पे देखा कि कौन सी कोचिंग में जाना चाहिए, तो मुझे अभी भी याद है हम केडी कैंपस गए थे। तो केडी कैंपस के पास में ही स्कॉलर्स की नई नई उस टाइम कोचिंग शुरू हुई थी, तो हमें पता चला कि आप की कोचिंग है और आपका नाम था मैथ्स के लिए। तो फिर हमने डेमो क्लास ली, और जब डेमो क्लास ली उसके पहले मैं सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि एसएससी सीजीएल में कौन सी पोस्ट होती है, या इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि उसका पैटर्न कैसा होता है एग्ज़ाम का। फिर जब डेमो लिया तो पता चला कि हाँ ऐसे ऐसे एग्ज़ाम होता है और क्लियर किया जा सकता है, तो फिर वहाँ से एसएससी सीजीएल की कहानी शुरू हुई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे आपने तो ये समझ लिया कि ठीक है, हो सकता है कि हमारा, जब आपने सबसे पहले क्लास ली थी डेमो क्लास में, आपने ये समझ लिया कि भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कोई भी स्टूडेंट का बैकग्राउंड एक मैटर करता है क्या एसएससी के लिए? फिलहाल जो एसएससी का पैटर्न है, फिलहाल जो एसएससी का जो नया नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से सीजीएल एग्ज़ाम करवा रहा है, तो एक सबसे मैं सिर्फ आपसे वही क्वेश्चन करना चाहता हूँ जो स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि वो कैसे डिसाइड करें कि उन्हें एसएससी करना चाहिए, उसके लिए कोई बैकग्राउंड मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है या इंग्लिश बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट के सामने यही होती है कि वो यही नहीं तय कर पाते हैं कि उन्हें इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उनका क्या पैरामीटर होते हैं, क्या पैमाने होते हैं कि हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी इसलिए करनी चाहिए? एसएससी की प्रिपरेशन इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर 2 से 3 साल कोई एसएससी की प्रिपरेशन कर ले तो उसके पास जॉब तो पक्की होगी, ये तो है। अच्छा, तो एसएससी सीजीएल में 2 से 3 साल का टाइम चाहिए? नहीं, मतलब कि अगर अब पैटर्न चेंज हो गया है, अच्छा, लेकिन पहले, हाँ, जैसे बहुत सारी एग्जाम्स है जो बच्चे सालों से लगे हुए हैं उसकी प्रिपरेशन में, लेकिन अगर उसका आधा भी टाइम आपने एसएससी में दे दिया होता तो मुझे लगता है कि एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, फेज है, सीपीओ है, काफी एग्जाम खुद एसएससी खुद कंडक्ट करवाता है। प्लस सर आजकल जो पैटर्न चेंज हुआ है, ऐसा अभी जैसे एमपी में तो जो अभी एमपी पटवारी का पेपर हुआ था उसमें भी ऐसा देखा गया कि मैथ्स में प्रीवियस एसएससी के ही क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो एसएससी एमपी कांस्टेबल में भी हुआ था। हाँ जी। तो एसएससी का एक लेवल है। अगर आपने वहां तक प्रिपरेशन कर ली तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पास जॉब नहीं हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी की प्रिपरेशन करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको अगर जॉब चाहिए आज की कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में तो आपको एकदम हाईएस्ट लेवल तक की प्रिपरेशन करनी होगी। आप कोई मौका नहीं छोड़ सकते, आप 99% प्रिपेयर नहीं हो सकते, आपको 100% प्रिपेयर होना पड़ेगा तभी आपको जॉब मिलेगी इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। तो मुझे लगता है कि एसएससी की प्रिपरेशन करना, अब तो पैटर्न चेंज हो गया, पहले तो एसएससी में बहुत डिलेड होता था, लेकिन अब तो ऐसा है कि विद इन 1 ईयर आपको जॉब, आपके जॉइनिंग मिल जाएगी, हमारी जॉइनिंग भी बहुत जल्दी आने ही वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एसएससी की प्रिपरेशन करना ही अभी इस टाइम सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, मतलब ये है कि देखो, मैं भी प्राची से सुन के और भी आप लोगों को मैं हमेशा ये कहता भी हूँ
कि यदि आपको किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो आपको एसएससी की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, भले वो कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो। और उसके लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी है, चाहे इनकी बातों से ये कंक्लूजन भी निकला है और आपको बहुत सारे टीचर्स ये सिखाते भी होंगे कि आप किस बैकग्राउंड से हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन जिस दिन आपने कोई काम शुरू किया है उस दिन के बाद में आप उसको किस तरीके से आगे एग्जीक्यूट करते हो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपने किया भी है। दूसरा, जैसे कुछ स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा जो डाउट रहते हैं, अब जैसे मैथमेटिक्स को लेकर स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट रहते हैं कि मैथमेटिक्स को किस तरीके से तैयार करें। जैसे सबसे पहले तो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर मैथमेटिक्स में हम क्या है कि कोई भी एक चैप्टर जैसे हमारा कंप्लीट हो गया है, जैसे मान लो किसी का प्रॉफिट लॉस चल रहा है, फिर उसके बाद में दूसरा टॉपिक परसेंटेज चल रहा है, किसी का कंपाउंड इंटरेस्ट चल रहा है तीसरा टॉपिक, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पर आते आते वो प्रॉफिट लॉस को भूल जाते हैं पहले टॉपिक को, तो मतलब इसको कैसे बैलेंस किया जाए? जैसे कि सर कोई भी टॉपिक स्टार्ट किया तो पहले उसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेनी चाहिए। आपकी क्लास में क्या होता था? हाँ, जैसे आप जब मेरी क्लास चलती थी तब क्या करते थे? मैं जो करती थी वही बताती हूँ। जैसे आपने पढ़ाया, फर्स्ट आप पढ़ाते थे, मुझे पढ़ाया था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क की पूरी थ्योरी हो गई, थ्योरी हो गई तो मुझे ये पता चल गया कि इसमें ये 5 टाइप के क्वेश्चन है, इसी में से वो घुमा फिरा के नए क्वेश्चन बनेंगे, बस इसके बाहर टाइप तो नहीं जाने वाला। वो हो गया एक बारी क्लास में, सपोज एक या दो हफ्ते में वो कंप्लीट हो गया और हमने रोज की रोज प्रैक्टिस कर लिया कि आज क्लास में क्या पढ़ाया है। जब वो थ्योरी निपट गई तो उसके बाद 200 से 300 क्वेश्चन उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मस्ट है कि कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन आप कहीं से भी करें पर क्वेश्चंस कर लें 200 से 300 क्वेश्चन। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपने पढ़ा, जब आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो संडे टू संडे ऐसा एक टाइम बना लें कि उस जो प्रीवियसली आपने पढ़ा है और जो टाइप्स थे एटलीस्ट जो क्लास में जो थ्योरी बताई गई है उसको तो रिवाइज कर ही लें, ताकि जो टाइप्स हैं और जैसे आपने अगर बताए क्लास में क्वेश्चन 50 क्वेश्चन है उसमें से 10 क्वेश्चन है जिसमें मैंने मार्क कर लिया कि ये 10 मैंने क्वेश्चन कर लिए तो ये पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा, उसको मार्क कर लें और उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहें। तो जैसे जब तुम क्लास लेती थी उस टाइम पे एक टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते थे, टॉपिक वाइज टेस्ट, तो उनका टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब क्या इम्पोर्टेंस है, उससे भी एक रिकॉल हो सकते हैं टॉपिक? बिल्कुल सर, जैसे अभी मैंने टाइम एंड वर्क पढ़ा, कुछ टाइम बाद में परसेंटेज पढ़ रही हूँ, परसेंटेज पढ़ते पढ़ते बीच में टाइम एंड वर्क का टेस्ट है, तो मैंने जो पूरी प्रैक्टिस करी है एक बार उसको गो थ्रू करूंगी, मैंने जो इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए मार्क किए उसको मैं करूंगी और उसके बाद मैं टॉपिक वाइज टेस्ट दूंगी, तो मुझे पता चल जाएगा मेरी कितनी कमांड बनी है और जो भी फिर नहीं होगा या जो भी नहीं होगा तो वो फिर डाउट सॉल्व में जो टीचर्स होते हैं वो बता देंगे, तो उस टॉपिक पे अच्छी कमांड बन जाती है। हाँ, मतलब इनका प्राची का ये कहना है कि सारी चीज़ों का कंक्लूजन ये इन्होंने बताया है कि जैसे कोई भी हम यदि थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं किसी भी चैप्टर का, मान लो मैथमेटिक्स का तीसरे टॉपिक पर हम आ गए हैं, तो आप जब भी उस तीसरे टॉपिक को डेली पढ़ो तो उस टाइम पे क्या है कि उसके शुरुआत में 5-7 क्वेश्चन पहले टॉपिक को भी एक बार देख लीजिए, ताकि क्या है वो रिकॉल होते जाएँ। इसके साथ साथ जैसे टॉपिक वाइज जो भी टेस्ट होते हैं, जैसे ये प्राची के टाइम पे 50 क्वेश्चन थे शायद 1 आवर में, एक घंटे में 50 क्वेश्चन होते थे टॉपिक वाइज टेस्ट में, तो जब भी हम वो टॉपिक वाइज टेस्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया है आपने पढ़ लिया है प्रैक्टिस कर ली है तो उसका फिर टेस्ट दिया तो थोड़ा सा हमें भी कॉन्फिडेंस आ जाता है एक स्टूडेंट को कि हम मतलब इस टॉपिक में कितना किस लेवल तक हमने पढ़ चुका है। अच्छा, सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट बात ये भी है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि जैसे बुक्स खरीदते हैं कि एक बुक ले ली है, दूसरी बुक ले ली, तीसरी बुक ले ली, चाहे मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, तो मल्टीपल बुक पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है या एक बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है? नहीं सर, डेफिनेटली एक बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, उससे आपको आपको आप खुद ही एक्सप्लोर करोगे कि आपने ये क्वेश्चन इस मेथड से किया, नेक्स्ट टाइम आप किसी और मेथड से करोगे, वो धीरे धीरे आपकी मेथड शॉर्ट होती जाएगी। और अगर मल्टीपल बुक से आप सॉल्व करोगे तो आपकी मल्टीपल मतलब एक वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा सिलसिला, क्योंकि आपको लगेगा ये बुक पढ़ लेते हैं वो बुक पढ़ लेते हैं तो वो एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन भी नहीं आ पाता है, तो एक बुक को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना ही सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब एक चैप्टर को शायद 8 से 10 बार तो पढ़ना चाहिए। अच्छा, ये है कि जैसे एक उसी के साथ ही एसएससी का एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है स्टूडेंट का कि मैथमेटिक्स में स्पीड कैसे बनाएं, कंसेप्ट कैसे क्लियर हो, तो शायद यही उसका एक तरीका हो सकता है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस सर, चाहे कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो चाहे स्पीड बनानी हो, दोनों का सोल्यूशन सिर्फ प्रैक्टिस ही है। मतलब डेली 3 से 4 घंटे मैथ्स, अगर आप बिगिनर्स हैं तो 3 से 4 घंटे मैथ्स तो सॉल्व करना ही है, वो तो मस्ट ही है, क्योंकि मैथ्स के अलावा और मुझे लगता है बाकी किसी भी सब्जेक्ट में फुल स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो अगर आप एक बहुत अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो मैथ्स में फुल स्कोर करना आई थिंक वो इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल। कोई ऐसा मतलब पैरामीटर है क्या कि आप ये कह दो स्टूडेंट्स को कि आप तो इतने घंटे पढ़ लो आपकी 5वीं रैंक आ जाएगी,
कुछ ऐसा है क्या? क्योंकि स्टूडेंट इतना तैयार बैठे हैं, वो सोचते हैं कि प्राची अपने मुंह से ये कह दे कि 10 घंटे, तो वो 10 घंटे बैठ जाएंगे, चाहे पढ़ो मत, वो 10 घंटे जगे रहेंगे पढ़ाई के नाम से। तो कुछ ऐसा है क्या कि मतलब अलग अलग कि आपको इतने घंटे पढ़ना ज़रूरी है? नहीं सर, कितने घंटे पढ़ना ज़रूरी है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर डेली बेसिस पे जो आपने टारगेट बनाया है वो पूरा करना इम्पॉर्टेंट है। अगर मैंने सोचा है कि मैं आज 3 चैप्टर रिवाइज करूँगी, 200 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, तो चाहे वो 2 घंटे में कर लूँ, 4 घंटे में करूँ, या पूरा दिन लगे। हाँ, मतलब कंक्लूजन ये है कि चाहे पढ़ो 1 घंटे पढ़ो, लेकिन उसका आउटपुट आना चाहिए। हाँ। कम से कम मैक्सिमम जिसमें आउटपुट हो, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप जितने टाइम्स तक फ्री में पढ़ रहे हो, मान लो फ्री में कोई भी स्टूडेंट 5 to 6 आवर या 10 आवर भी पढ़ाई कर रहा है, तो मेंस में भी उसे 10 घंटे, हो सकता है मेंस में उसको ज़्यादा आवर्स लेने होते हैं, हो सकता है फ्री में ज़्यादा पढ़ना होता है, मेंस में ज़्यादा पढ़ना होता है। तो मतलब ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है, बस ये है कि देखो जितनी देर भी आप पढ़ो, जितनी देर भी आप पढ़ो, आपका मैक्सिमम जिसमें प्रोडक्टिविटी हो इतनी देर आपको काम करना चाहिए। बट ये है सर कि अगर आप चारों सब्जेक्ट रोज पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो 8 to 10 आवर्स की स्टडी तो हो ही जाएगी। अच्छा, जैसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम, जैसा तुमने बताया कि 8 से 10 घंटे हमें पढ़ना चाहिए, कितने महीने तक पढ़ना चाहिए? वो तो बेचारे टारगेट पहले फिक्स कर लेते हैं, उन्हें यदि स्टूडेंट को ये कहते हैं 5 महीने पढ़ लो, तो वो 5 महीने 10 महीने कितने महीने कितने टाइम तक? सर ऐसा तो कोई फिक्स नहीं है कि कितने टाइम तक आपको पढ़ना है, वो तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक भी कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा पढ़ने के लिए, तो वो कंप्लीट तो कभी भी नहीं होता। बट हाँ, ये है कि एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए कि पूरा सिलेबस हो गया, इनफ आपने सॉल्व कर लिया, रिविजन हो गया, प्रैक्टिस हो गई, उसके बाद भी जो अपडेशन होती रहती है, जैसे रिसेंट में जो एग्जाम्स कंडक्ट करवा रहे हैं उसको भी थोड़ा बहुत एनालाइज करते रहना चाहिए कि क्या नया पूछा है। और थोड़ा जीके तो ऐसा है कि वो तो आप एग्जाम के 1 घंटे पहले तक भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि कमी पड़ा है, एक एसएससी के एस्पिरेंट के साथ होता ही ऐसा। हाँ, तो मतलब ये है कि देखो कहना कि महीने, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा है, मेरे सामने जब स्टूडेंट बैठे रहते हैं तो कहते हैं कि सर आप तो हमें बता दो 1 साल के लिए आएँ, 2 साल के लिए आएँ, 6 महीने के लिए आएँ। तो ये है, मैंने इसीलिए ये बात पूछी है कि आप मुझसे क्वेश्चन मत पूछा करो कि कितने महीने तक हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? ये एक तपस्या है, ये प्राची ने भी की है, और एक हर एक स्टूडेंट को करनी पड़ती है। जो ज़्यादा करेगा वो यहाँ आके बैठ के इंटरव्यू देगा, और जो और ज़्यादा करेगा वो और अच्छा हासिल करेगा। तो अच्छा, दूसरा ये है कि जैसे कंटेंट के रिगार्डिंग स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि मतलब क्या पढ़ें, तो उसके बारे में क्या, मतलब तुमने कैसे पढ़ा, क्या क्या पढ़ा था तुमने, वो कुछ बताइए। सर पहले तो होता है कि अगर हम मैथ्स की बात करें तो पहले तो होता है कि एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, एक पूरा सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि जैसे मैंने बताया कि इतने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं या ये जो भी है, तो वो क्लास नोट्स से हो जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है एक क्लास नोट्स से हो जाते हैं। प्लस उसके बाद फिर पर्टिकुलर चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चंस कहीं से प्रैक्टिस करना चाहिए, बट एक टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद, और जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, जितना टाइम है उतना लगाओ, जितनी बार लगा सकते हो उतना लगाओ, और जो रिसेंट में एग्जाम्स हो रही है मैंने बताया कि उसको भी एनालाइज करके उसको भी थोड़ा सा उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहें, तो वो बेनिफिशियल होगा। रीजनिंग में भी यही है कि एक बार पूरा कॉन्सेप्ट आपको पता चल जाए, आपको पूरा पता चल जाए कि इतने इतने टॉपिक्स होते हैं, ये आता है एग्जाम में, फिर उसके बाद बस प्रैक्टिस करनी होती है, तो वो आप प्रीवियस ईयर से कर सकते हैं या प्रीवियस ईयर ही एसएससी में प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा सही रहता है। हाँ, मतलब ये कहना चाह रही हैं कि भाई जो भी हमने क्लास नोट्स हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आपके जो प्रॉपर क्लास नोट्स हैं उससे सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो ही जाते हैं, फिर उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अच्छा, अकेले कई के स्टूडेंट तो सिर्फ ये कहते हैं कि सर हम तो प्रीवियस ईयर लगा लें, ये सफिशियंट है, अकेला प्रीवियस ईयर सफिशियंट है? पता होना चाहिए कि पहले तो कि सारे टाइप्स आपको पता होना चाहिए, जो भी मतलब सिलेबस है वो अगर आपका हो गया और आपने एक बेस बनाने के लिए 200 से 300 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर सॉल्व करते रहिए, प्लस जो रिसेंट में एग्जाम हो रहे, जो अब जैसे अपडेशन तो देखिए सर इंपॉर्टेंट है, आज कोई एग्जाम हुआ उसमें कोई क्वेश्चन आया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल जो एग्जाम होगा उसमें भी वैसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन होगा। तो प्राची, ये तो मैथमेटिक्स की काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी जो दिक्कत है, और ये मैंने ऐसा देखा भी है, टेस्ट पेपर में भी हम देखते हैं, स्कोर देखते हैं स्टूडेंट का, जीके जीएस काफ़ी दिक्कत करती है, और अब तो उनके सामने एक चैलेंज भी हो गया, क्योंकि जब से एसएससी सीजीएल का पैटर्न बना है, जो बदला है, उसमें यूपीएससी के एस्पिरेंट भी आ गए हैं जो जीके जीएस में अच्छे महारथी थे, जिनका जीके जीएस अच्छा था। तो कैसे जीके जीएस को अच्छा बनाया जाए, कैसे उसमें स्कोर किया जाए, थोड़ा सा ये बताओ, तुमने क्या किया, मतलब तुमने जीके जीएस के लिए? सर मैंने तो लूसेंट ही पढ़ी है,
पर लूसेंट की लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, तो उसकी जगह मनोहर पांडे भी पढ़ सकते हैं, वो भी पढ़ी जा सकती है, बट उसको ऐसा है कि कम से कम 5 से 6 बार तो पढ़नी ही है। हाँ, मतलब पढ़ना ही सफिशियंट नहीं है, उसका रिविजन ही करना मेन है, रिविजन करना। और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सर मैंने पिनाकल की बुक ली थी और उसको पूरा मतलब प्रीवियस ईयर अच्छे से याद कर लिया था, तो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता था, तो वो उससे काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती है। तो यही पढ़ा है मैंने लूसेंट और पिनाकल की प्रीवियस ईयर। हाँ, मतलब ये है कि आप जितनी बार लूसेंट को पढ़ोगे, ऐसा मैंने भी फील किया जब मैंने भी एसएससी की तैयारी की, कि जितनी बार जितने टाइम्स हम लूसेंट को पढ़ेंगे तब उतने ही टाइम्स हमें पता लगेगा कि इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसी में हैं, इतने ज़्यादा क्वेश्चन इसी में हैं। अच्छा, तीसरा जो स्टूडेंट का क्वेश्चन मुझसे रहता है इंग्लिश, तो वो मुझसे पूछते हैं कि सर इंग्लिश को कैसे करें, तो मैं तो उन्हें ये कहता हूँ कि इंग्लिश को यदि करते तो मैं तुम्हारे सामने थोड़ी ना रहता, यदि मुझे इंग्लिश आती तो इंग्लिश का क्या सोल्यूशन है, इसका कोई मतलब प्रॉपर सोल्यूशन बताओ जो तुमने भी किया हो, हालांकि तुम इंग्लिश मीडियम से हो, जो हमारे हिंदी मीडियम वाले भाई लोग बैठे हैं, थोड़ा उनको भी मतलब पता चले कि इंग्लिश कैसे तैयार करनी है उनको, थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बताओ। तो सर इंग्लिश में पहले तो जो भी टॉपिक्स कोचिंग में पढ़ा दिए जाते हैं तो उसको कोचिंग में पढ़ लिया, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस शीट वगैरह प्रोवाइड होती है कोचिंग में, तो उसको प्रैक्टिस कर ली, और रेफरेंस के तौर पे नीतू मैम की वॉल्यूम 1 जो आती है प्लिंथ टू पैरामाउंट, उसको पढ़ सकते हैं, उसको 2 से 3 बार पढ़ लिया तो मुझे लगता है वो बाइबल है, वो बहुत हेल्प करेगी। वो कैब के लिए भी शीट्स हालांकि कोचिंग में प्रोवाइड करते हैं, पर प्रीवियस ईयर के लिए अगर पूरी पढ़ना है तो ब्लैक बुक को भी पढ़ सकते हैं। और मैंने बाकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट था उसके लिए तो प्रीवियस ईयर ही किया था, जो भी रिसेंट एग्जाम में आया था क्वेश्चंस आए थे वो मैं रोज़ प्रैक्टिस करती थी, तो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो बट प्रैक्टिस तो रोज़ ही करनी होती है। और कुछ स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि ऑल्टरनेट डेज पढ़ना है, कि एक हफ्ते में एक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो मुझे लगता है कि सारे सब्जेक्ट रोज़ पढ़ना है वो ही हेल्पफुल होंगे, ताकि हर सब्जेक्ट में हर दिन उतना ही कॉन्फिडेंस रहे। तो मुझे लगता है कि रोज़ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश को, कई बार ना स्टूडेंट्स लाइटली ले लेते हैं, जिनको इंग्लिश आती है जो इंग्लिश मीडियम से, वो लाइटली ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत टेम्पटिंग होती है इंग्लिश, आपको लगेगा कि ये सही आंसर होगा पर वो एंड में गलत निकल जाता है। तो प्रैक्टिस इंग्लिश की भी उतनी करनी चाहिए रोज़, और स्पेशली जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ऐसा सजेशन होता है कि न्यूज़पेपर पढ़े, पर न्यूज़पेपर पढ़ना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, मतलब सबसे पहले तो मुझे यही कहते हैं स्टूडेंट कि सर न्यूज़पेपर हम लाए थे लेकिन वो पढ़ा ही नहीं गया, एक महीने में कई, मैं खुद भी एक बार न्यूज़पेपर लेके आया था, एक महीने में पूरा द हिंदू नहीं पढ़ा गया, तो उनके लिए न्यूज़पेपर थोड़ी ना हो सकता है। मतलब उनके लिए कुछ बताइए कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो बिगनर्स हैं, वो मतलब कैसे करें, वो उनके पास अल्टरनेट क्या है न्यूज़पेपर के अलावा? वो नॉवेल पढ़ सकते हैं सर, पर इंग्लिश राइटर की नॉवेल पढ़े तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। डिक्शनरी लेकर बैठ सकते हैं, उसमें जैसे आपने एक, भले आपने एक पेज पढ़ा पर अगर आपको उसमें 4 नई वोकैब मिल गई और आपको एक पेज ही अच्छे से समझ में आ गया तो वही बहुत है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी बुक ही पढ़नी है, बट जितना पढ़े उसमें से मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश करें। तो न्यूज़पेपर अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं आ रहा है तो नॉवेल भी पढ़ी जा सकती है, और प्रीवियस ईयर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए बेस्ट रहेगा। हाँ, मतलब देखो कंक्लूजन ये है कि जैसे क्लास में जो भी आप कहीं भी पढ़ रहे हो, जो भी है क्लास में, आप अपनी बुक से, क्लास से समझिए टीचर से, उसके बाद में जो बुक, जो रेफरेंस बुक बताई है वो, जैसे यदि आपको अच्छे से समझ में आती है प्रीवियस ईयर बुक है, लेकिन कई स्टूडेंट के ये भी समझ में नहीं आता, जैसे वो प्रीवियस ईयर की बुक तो ले आते हैं, जैसे MB पब्लिकेशन की भी कोई बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट के पास रहती है, लेकिन क्या है कि उनको ये नहीं पता होता इसकी शुरुआत कहाँ से करें, इसको कैसे पढ़ें, तो मतलब जो प्रीवियस ईयर की बुक है उनके मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कैसे लगाएं वो, ग्रामर क्वेश्चन। हाँ, ग्रामर। हाँ, तो सर जो पहले, और एक छोटा सा मैं क्वेश्चन बीच में, एक स्टूडेंट के सामने ये रहता है कि सर हम नाउन पढ़ रहे हैं और नाउन के रूल हम याद कर लेते हैं, नाउन के 100 क्वेश्चन में से 95 क्वेश्चन सही कर देते हैं और हम खुश हो जाते हैं कि नाउन का क्वेश्चन है। प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ा अगला, प्रोनाउन में भी 100 क्वेश्चन में हमने 97 क्वेश्चन सही कर दिए और खुश हो गए कि हमें प्रोनाउन भी आने लग गया, लेकिन जब भी एग्जाम हॉल में जाते हैं तो यही समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन नाउन का, प्रोनाउन का है, किस चीज़ का है। ये हिंदी मीडियम के जो बिगनर्स होते हैं उनके ये रियल प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो इसका कोई सोल्यूशन है कुछ, मतलब इसका है कुछ तरीका? सर वो तो हो गई, अगर नाउन मैंने पढ़ा और मुझे पता है कि इसमें नाउन ही ढूंढना है तो बहुत ईजिली मिल जाएगी एरर, लेकिन उससे निकलने के लिए, एग्जाम में सही करने के लिए मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाँ, तो अगर टॉपिक वाइज अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो चाहे वो मैथ्स में भी वही चीज़ अप्लाई होती है कि अगर आप एक जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो आपको आ जाएगा, पर अगर आपको जानना है कि आपको कितना आता है तो आपको मिक्स क्वेश्चन सारे टॉपिक के एक साथ जो क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दें. कोचिंग में भी मॉक होता है, वो दें आप, जो टेस्ट होता है वो दें, ऑनलाइन मॉक दें, तो उसमें मिक्स क्वेश्चन होते हैं, वहाँ आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है. तो मिक्स क्वेश्चन और रीजनिंग का भी बताइए, वरना रीजनिंग वाले टीचर भी हमारे जो दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाएंगे, सर हमारे सब्जेक्ट का तो नाम ही नहीं लिया, आजकल हम भी मेंस में आने लग गए हैं. तो थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में बताइए कि रीजनिंग का क्या करना है, कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ना है. तो सर रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बार पढ़ेंगे तो काम बन जाएगा. जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लॉक कैलेंडर को बहुत इग्नोर करते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए, एक बार ही पूरा सिलेबस तो कंप्लीट हो ही जाना चाहिए. हाँ, सब कुछ टॉपिक पढ़ने, ऐसा नहीं है कि दो एग्जाम में नहीं आया तो अभी आगे कभी आएगा ही नहीं. हाँ वही, तो एक बार एक सिलेबस तो आपका एक फीलिंग ऑफ कंप्लीशन तो होना ही चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है. फिर उसके बाद कुछ टॉपिक्स होते हैं, एनालॉगी हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, और जो इस टाइप के क्वेश्चन सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं जिनका करंट वेटेज ज्यादा चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, और उसको करना भी मुश्किल है. सर सबको पता है कि ये जो क्वेश्चन है ये एक बारी में नहीं आएंगे, इनको आपको जैसे मैथ्स रोज 3-4 घंटे सॉल्व कर रहे हैं, एटलीस्ट 1-2 घंटे रीजनिंग के ये वाले टॉपिक्स भी रोज सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको एग्जाम में क्लिक होगा. एक तो आपको रीजनिंग सॉल्व करना है, प्लस आपको पता है कि मैथ्स भी उसी 1 घंटे में करना है, रीजनिंग भी उसी 1 घंटे में करना है, और इस टाइप के क्वेश्चंस भी करना है जो एक बारी में क्लिक भी नहीं होंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी. जितनी आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी नज़रों के सामने से गुजरेंगे, उतनी जल्दी आपको एग्जाम में ये क्लिक होगा कि हाँ ये इस तरीके से सॉल्व हो सकता है. तो ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करनी है. और आजकल एक नया प्रॉब्लम रीजनिंग में शुरू हुई है, वो है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन. तो सर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हालांकि अब तो सिलेबस में वो अपडेशन हो गया है, और अब तो पर हमारे टाइम पे हमने नहीं पढ़े थे, उस टाइम नहीं आते थे सर, तो उस टाइम पे आते भी नहीं थे क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा अपडेट हुआ तब ये. हाँ, ये अभी 22 में ही आए हैं ये वाले क्वेश्चंस. तो वो जब पता है कि वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं सर, तो उसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, तभी वो एक बहुत अच्छा स्कोर रीजनिंग में आ पाएगा. हाँ, मतलब यही है कि रीजनिंग में भी एक सेट बना के, मेरे तो जितना समझ में आया है जो मैं बता सकता हूँ स्टूडेंट्स को तुमसे सुन के, बस यही है कि जैसे रीजनिंग में हमें एक टाइम स्टॉप वाच, मतलब टाइम सेट करके एक टाइमर लगा के और क्वेश्चन का टारगेट करना चाहिए कि भाई 1 घंटे 1 आवर में इतने क्वेश्चन आज करने ही करने हैं हमें, ठीक है, उससे भी थोड़ी स्पीड बनेगी. और अब तो सारे के सारे सब्जेक्ट हैं वो आपके इक्वल हो गए हैं, मैथ्स हो या रीजनिंग हो, अगर आप बिगनर नहीं है, थोड़ा आपको टाइम हो गया है पढ़ते हुए, एक बार आपका सिलेबस हो गया, उसके बाद तो टाइमर के हिसाब से ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अगर किसी को भी, जितने भी प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अगर सबको पेपर दे दिया जाए और बोला जाए कि 3-4 घंटे आपके पास सॉल्व कर लीजिए, तो सब सॉल्व कर लेंगे. बात यही है टाइम में सॉल्व करना, तो टाइमर लगा के सॉल्व करना बहुत हेल्पफुल होगा एग्जाम में पेपर सॉल्व करने के लिए. तो अभी जैसे तुम्हें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मिला है, तो मतलब कैसा लग रहा है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा. और दूसरा ये है कि उस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के क्या वर्क हैं, क्या जॉब प्रोफाइल हैं? तुमने एक, मैंने सुना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है टॉपर स्टाइल नाम से, तो उसका क्या मतलब मोटिवेशन क्या है उस यूट्यूब चैनल का? सर मोटिवेशन यही है कि जब रैंक 5 आई तो बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए, जो अभी जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है या जो फ्रेंड्स वगैरह थे, तो उनका भी यही कहना था कि मैं उनको गाइड करूँ. हाँ, गाइड करो, कुछ सीखें, क्योंकि देखो लड़कियों के तो तुम हो ही प्रेरणा स्रोत, फर्स्ट रैंक आई है और ये बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन जो हमारे हैं, जो मतलब लड़के भी हैं, हमारी कौम के भी जो लोग हैं, वो भी मतलब तुमसे सीखते रहते हैं, है ना? तो मतलब ये अच्छा है, उस पर सारी चीज़ें तुम डालती रहती हो, नोटिफिकेशन वगैरह सारी कुछ सब कुछ सर. जैसे SSC में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो बच्चों को नहीं पता होती है, जो अगर आप बिगनर्स हैं, आपको बहुत टाइम भी हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पता है, बहुत गलतियां हैं जो SSC में हो जाती हैं. आप जैसे फॉर्म फिल, आप जैसे जब फॉर्म होता है, जब फॉर्म फिल करने की बारी आती है, तो बहुत सारे लोगों का फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये हम बताने की कोशिश करते हैं, स्ट्रैटेजी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, और बस हमारा मोटिव यही है कि अगर आपका सिलेक्शन किसी गलती की वजह से 2nd या 3rd अटेम्प्ट में हो रहा है, तो कैसे हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर सके, सही गाइडेंस दे सके, और आपका सिलेक्शन जल्दी से जल्दी हो जाए. तो बस इसी मोटिवेशन से टॉपर्स टेल नाम का हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया है. चलो, मैं भगवान से दुआ करूँगा कि आपका यूट्यूब चैनल बहुत फले फूले, है ना, और हो सकता है कि मुझे भी कभी वहाँ पर इंटरव्यू देने का मौका मिले.
तो दोस्तों देखो, सबसे मेन चीज़ ये है कि प्राची की तो रैंक आ गई है, प्राची का तो सिलेक्शन हो गया है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गई है, बधाई के पात्र भी है, बढ़िया रैंक के साथ बनी है। कोई भी एक स्टूडेंट कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में सफल होता है या अपनी मंजिल को पा लेता है, तो ये ठीक वैसा ही होता है जैसा कि एक इमारत को बनाना होता है। एक इमारत को बनाने के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती है। एक कोई नींव रखता है तो कोई कलर पेंट करता है, तब जाके एक घर बनता है, कोई भी एक इमारत बनती है। तो कोई भी एक स्टूडेंट को इस तरह से मंजिल तक, उसकी मंजिल तक भेजने में बहुत सारे टीचर्स का, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। तो मैं मतलब शायद जहाँ तक सबसे पहले प्राची आई थी, तो मैं एक तरीके से नींव तो मैं बनी गया हूँ, ठीक है। तो मैं अपने आप को न्यू कह सकता हूँ कि मैं प्राची के सिलेक्शन की मैं न्यू हूँ। उसके बाद में जैसे जैसे ऊपर चीज़ें बढ़ती गई तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लगती गई तुम्हारे साथ साथ। चलो ठीक है, तो आज का ये हमारा इंटरव्यू रहा है, और आपको हमने सारी चीज़ें इसी तरीके से प्राची ने बताई हैं, जिस तरीके से प्राची ने फॉलो की है। आप कहीं भी पढ़ें, बस किसी से भी पढ़ें, मैन आपका मोटिव यही है कि जो भी आपके एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने रैंक ली है या जिन्होंने भी कोई भी अपनी मंजिल पाई है, आप उनसे कुछ भी सीखते हैं, यदि इस इंटरव्यू में आपने यदि एक बात भी नहीं सीखी है और आपको वो अपनी मंजिल तक भेजने के लिए सक्षम है और आपको मतलब वो काम में आती है, तो हमारा ये इंटरव्यू बहुत सफल होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और अब आप क्या कुछ एक लाइन जो स्टूडेंट्स को कहना चाहोगी? एक लाइन तो हो ही नहीं सकती शायद, बोलने का मैं शुरू करूँ तो बहुत सारा है जो मैं बोल सकती हूँ, बट यही है कि अगर आपने कोई चीज़ शुरू की है, अगर आपने ये सपना देखा है कि एक दिन मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, जीएसटी इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। सपना कौन दिखाता है? सपना आता है या फिर कोई मतलब मैंने दिखाया था कभी सर? जब वो टाइम आता है लाइफ में कि मुझे कुछ बनना है, तो आसपास चीज़ें जो हो रही होती है उसमें से आपको पता चलता है कि हाँ, मैं अपने आप को एक दिन इस जगह पर देखना चाहती हूँ या देखना चाहता हूँ, तो वो एक सपना होता है। और उसको पूरा करने के लिए आजकल जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें बहुत मेहनत लगती है सर, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो बस अगर आपको लगता है कि आप बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर रहे हैं फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो शायद एक और पुश की ज़रूरत है, शायद एक कुछ और चीज़ें सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत है, पर आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो मुझे लगता है गिव अप नहीं करना चाहिए। ये तो है, आप सभी की सफलता मैं चाहूँगा कि अगली एक सफलतम सूची में आप लोगों का नाम अवश्य हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आगे आने वाले जीवन के लिए। चलो ठीक है।